जय हिंद डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स हेड एक्सरसाइज 9.10। तो भाई इस एक्सरसाइज की सब क्वेश्चंस व्हाट प्रॉब्लम्स में से है और सब लाइफ स्किल्स बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक, तो यहाँ देखिए, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड ऑन अर्थ, एपी परसेंटेज प्रॉब्लम्स ऑन वाटर आर गिवन बिलो। तो यहाँ जो जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे ना, इन सब पानी रिलेटेड है, वाटर रिलेटेड है। वन नंबर क्वेश्चन देखिए, दिन ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2/3 वाटर, 2/3 ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा तो ए नंबर, व्हाट परसेंटेज इज दिस। बी नंबर, हाउ मच वाटर विल बी देयर इन ए पर्सन वेइंग 150 किलोग्राम्स। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए, हमारे शरीर में 3/2 पानी होते हैं। अच्छा, ए नंबर क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज इज दिस। तो 3/2 वो परसेंटेज में कितने हैं, यानी कि 3 में अगर 2 है तो 100 में क्या होगा। बस बी नंबर में देखिए, हाउ मच वाटर विल बी देयर इन ए पर्सन वेइंग 150 किलोग्राम। किसी एक व्यक्ति की वजन 150 किलोग्राम है, तो इस हिसाब से इनमें, इनके बॉडी में, शरीर में कितने लीटर्स यानी वाटर होंगे, पानी होंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। वन की ये देखिए, वाटर इन ह्यूमन बॉडी 2/3 × 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना ना, तो 100 से इंटू करना, तो 66.67% आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बी नंबर का सोल्यूशन देखिए, वाटर इन ए पर्सन वेइंग 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम वजन की एक व्यक्ति की शरीर में कितने किलोग्राम पानी होंगे। तो वजन जो भी होगा ना, इसकी 3/2 तो पानी है, तो 2/3 × 150। ठीक है, तो 100 किलोग्राम होगा। तो देखिए, 150 किलोग्राम वजन की एक व्यक्ति की शरीर में सिर्फ पानी ही होंगे 100 किलोग्राम। ठीक है, एक क्विंटल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ए, व्हाट फ्रैक्शन इज दिस। बी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। तो हमारे जो धरती है, इसकी जो पूरा सरफेस है, इस सरफेस की 75% पानी से भरा हुआ है, पानी से कवर्ड है, और बाकी सब लैंड मतलब मिट्टी से भरा हुआ है। तो वो जो 75% है ना, इसकी फ्रैक्शन क्या होगा। तो 75% मतलब क्या, 100 में 75 है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। बी नंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। तो अगर 75% पानी है, तो लैंड कितने है, टोटल तो 100% है, तो 100 में से 75 माइनस करना, 25% हो गया। बहुत सिंपल है। टू नंबर की ए नंबर, फ्रैक्शन ऑफ अर्थ सरफेस विथ वाटर, 75% ना, 75% इज इक्वल टू 75% मतलब 75/100 परसेंट मतलब 100 की भाग है। तो आप 25 से कैंसिल करना, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, तो 3/4 आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लैंड परसेंट ऑन द अर्थ। तो लैंड, वो जो अर्थ की सरफेस है, धरती की जो सरफेस है, इसमें लैंड कितने है? तो अगर 75% पानी है, तो बाकी सब के सब तो लैंड है ना, तो 100 से 75 माइनस करना, क्योंकि टोटल तो 100% है, तो 25% मिलेंगे। ठीक है, तो लैंड परसेंट कितने, 25% है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ वाटर विद सम मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट। इफ द मिनरल्स फॉर्म 3.5%, व्हाट परसेंट इज वाटर। तो समुद्र के पानी, वो तो बहुत खारे पानी होते हैं ना, समुद्र के पानी में मिनरल्स बहुत सारे, अलग अलग सी मिनरल्स मिक्सिंग है, और वो पानी में बिल्कुल डिजॉल्व होते हैं, मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इफ द मिनरल फॉर्म 3.5%, 3.5% मिनरल है, तो व्हाट परसेंट इज वाटर। तो कितने परसेंट पानी है, देखिए, अगर समंदर के टोटल पानी में 3.5% मिनरल्स है, तो बाकी कितने परसेंट पानी है, तो 100% है टोटल, टोटल पानी तो 100% है, इनमें से 100% में से 3.5%, यानी कि 3.5% मिनरल्स है, तो बाकी सब तो पानी होंगे ना, तो 96.5% क्या होंगे, पानी होंगे। तो 3 नंबर देखिए, मिनरल्स इज इक्वल टू 3.5%, देयरफॉर वाटर, बाकी सब पानी है ना, 100 से माइनस करना, 100 − 3.5 इज इक्वल 96.5 है, 96.5%, यानी कि 96.5% है, 100 से 3.5 माइनस करना। ठीक है, 100 से 3 माइनस करना तो 97 होगा, और भी आधा माइनस कर देना। ठीक है, तो 96.5 यानी कि 96.5 होगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर, एन एडल्ट हैज नियरली 6 liters ऑफ ब्लड, हाउ मच वाटर डज दिस कंटेन। बी, ए चाइल्ड हैज नियरली 3 liters ऑफ ब्लड, हाउ मच वाटर डज दिस कंटेन। तो
देखिए, इंसानी शरीर में जो ब्लड होते हैं, जो ब्लड दिखते हैं ना लाल रंग के, एक्चुअली सब के सब ब्लड्स नहीं है। इनमें पानी, ज़्यादातर पानी है, 90% पानी है, ठीक। और बाकी 10% ब्लड सेल्स है। इनमें से आरबीसी होते हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक। तो ब्लड सेल्स सिर्फ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और बाकी सब के सब पानी है। तो किसी एक इंसानी शरीर शरीर में अगर 6 लीटर ब्लड है, मतलब खून है, तो इनमें पानी कितने हैं, तो 6 लीटर की 90% माइनस कर देना, निकाल लेना। दूसरे देखिए, एक बच्चा है जिसकी शरीर में 3 लीटर ब्लड है, तो इसमें इस बच्चे के शरीर में कितने लीटर पानी होंगे, तो दोनों के केस में 90% निकालना भाई। तो देखिए, वाट आर इन ह्यूमन ब्लड 90%, ठीक है। देयरफॉर वाट आर इन 6 लीटर ऑफ ब्लड, मतलब 6 लीटर ब्लड में कितने हैं, तो 90/100 × 6 है, तो 100 से 100 काट लेना, ठीक है। तो 5.4 लीटर्स होंगे, ठीक है। तो जिस इंसान की बॉडी में 6 लीटर खून है, ब्लड है, इसमें 5.4 लीटर्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। नेक्स्ट बी नंबर देखो, वाटर इन ए चाइल्ड ऑफ 3 लीटर ब्लड, तो किसी एक बच्चा जिसकी शरीर में 3 लीटर ब्लड है, इसके शरीर में मतलब ब्लड में मिक्स कितने लीटर पानी है, तो इसकी 90% तीर की 90% निकालना, ठीक है। तो 2.7 लीटर्स होंगे। तो इस बच्चा जिसकी बॉडी में 3 लीटर्स ब्लड है, तो इस ब्लड में 2.7 लीटर्स पानी मिला हुआ है। बाय नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाटर फीजेस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय अबाउट 9%। इफ 500 लीटर्स ऑफ वाटर इज फ्रोजन, देन ए नंबर व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम, बी नंबर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड, ठीक है। तो देखिए, जो पानी जम जाते हैं, बर्फ हो जाते हैं, तो बर्फ की जो वॉल्यूम होते हैं, यानी कि पानी की जो वॉल्यूम होते हैं, वो 9% बढ़ जाते हैं। एक्चुअली देखिए, बर्फ जो होते हैं ना, वो पानी से भी हल्का होते हैं। इसकी डेंसिटी पानी से कम है, बर्फ की डेंसिटी कम है, तो अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए तो बर्फ पर पानी में तैरते हैं, ठीक है। इफ 500 लीटर्स ऑफ वाटर इज फ्रोजन, अगर 500 लीटर पानी फ्रीज किया गया, मतलब बर्फ बनाया गया, तो इससे कितने लीटर वॉल्यूम बढ़ेगी। अच्छा, ए नंबर में ये है, बी नंबर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द आइस फॉर्म, तो इस 500 लीटर पानी से जो बर्फ बनेगी, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है। तो ये तो इंक्रीज वॉल्यूम है, 500 की 9% निकाल लेना, वो तो इंक्रीज 9% निकाल लेना, तो वो कितनी इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, वो निकले वो हमें मिलेगी। बी नंबर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म, तो टोटल जो आइस बनेगी ना, बर्फ बनेगी, इसकी वॉल्यूम क्या होगा, तो ये जो 9% है ना, इसको 500 के साथ ऐड कर देना, सिंपल है। तो देखिए, वॉल्यूम इंक्रीजेस 9%, ठीक है। ए नंबर इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ 500 लीटर्स ऑफ वाटर, तो 500 लीटर पानी का जो इंक्रीज हुआ वो क्या है, तो 9% है ना, तो 9% मतलब 9/100, और कितना था, 500 का, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 काट लेना, 9 5 40, तो 45 लीटर्स वॉल्यूम आप बढ़ रही है। 500 लीटर पानी में 45 लीटर वॉल्यूम बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, जब बर्फ बन जाएगी बनेगी ना। अब बिना मतलब कि वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड, तो टोटल तो 500 लीटर थे ना, अब और भी 45 लीटर्स बढ़ा, तो इन 45 लीटर्स भी ऐड कर देना, तो 500 + 45, तो 545 लीटर्स अब वॉल्यूम हुआ जो नई बर्फ बन रही है इसकी। नेक्स्ट भाई 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉइल्ड पोटैटो कंटेन्स 80% वाटर, व्हाट फ्रैक्शन इज दिस, आलू जब बॉइल की जाती है, शुद्ध की जाती है, तो इसमें 80% पानी होता है, तो ये जो 80% है, इसका फ्रैक्शन क्या है, तो 80% मतलब क्या है, 80/100 है, तो सिंपल है। तो देखिए, वाटर इन अ बॉइल्ड पोटैटो इज इक्वल टू 80%, देयरफॉर डिक्लेयर्ड फ्रैक्शन, तो 80% मतलब 80/100, तो 8/10, तो 4/5 है, ठीक, 4/5 है फ्रैक्शन, तो यहाँ मतलब देखिए, इसकी लोएस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3/4 ओपन एक्स वॉल्यूम इज वाटर, व्हाट परसेंट इज दिस, इसी एक अंडे की 4 भाग की 3 भाग वॉल्यूम क्या होता है, पानी होता है, तो वो कितने परसेंट है, तो मतलब 4 में 3 है, तो 100 में क्या होगा, जस्ट परसेंटेज में कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो देखिए, 7 नंबर, वाटर इन एन एग 3/4, तो परसेंटेज ऑफ वाटर,
तो ये तो फ्रैक्शन में, तो आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट फ्रैक्शन के साथ 100 इंटू करना, तो 3/4 इंटू 100, 425 100, 325 75, तो 75% है। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।